हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 15 दिनों में भेजे घर, लॉकडाउन उल्लंघन के केस लिए जाएं वापस। प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करने को कहा। लॉकडाउन की वजह से देश भर के विभिन्न राज्यों में जहां तहां फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश सुना है। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर वापस उनके घरों को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों पर कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सभी मामले वापस लिए जाएं। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने सरकारों से मजदूरों को स्किल सैंपलिंग करके रोजगार के मुद्दे पर भी राहत देने को कहा है। मार्च महीने के अंतिम दिनों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया था, जिसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया। हालांकि 1 जून के बाद से अनलॉक 1 को भी लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान रोजगार न मिलने की वजह से लाखों की संख्या में मजदूर जहां तहां फंस गए थे। इसके बाद कई मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़े थे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। रेलवे ने दावा किया था कि इन ट्रेनों के जरिए से अभी तक लाखों मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। बता दें कि मई महीने में रेलवे ने तकरीबन 2818 विशेष श्रमिक ट्रेन चलाई, जिसके जरिए 37 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उनमें से 80% यात्री उत्तर प्रदेश और बिहार गए। रेलवे ने जानकारी दी थी कि 2818 श्रमिक विशेष ट्रेन में से अभी 565 रास्ते में है और 2253 गाड़ियां अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। रेलवे ने पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 260 ट्रेन चलाई और करीबन 3 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। जागरूक टीवी के लिए दिल्ली से विशेष रिपोर्ट।